मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार द्वारा हर ग्राम पंचायत में गौशाला बनाने का वचन पत्र में वादा किया था, जिसके तहत मध्य प्रदेश में पहले चरण में लगभग 1000 गौशालाएं निर्मित हुई थी। उसी कमलनाथ सरकार के दौरान मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी पहले चरण में 13 गौशाला का निर्माण हुआ है। उन्हीं गौशाला में व्यवस्था कैसी है देखने के लिए आज टीम ने मल्हारगढ़ विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी रहे परशुराम सिसोदिया के गृह गांव जावल में कमलनाथ सरकार के द्वारा निर्मित गौशाला को देखा, जहां काफी अच्छी व्यवस्था गौशाला में देखने को मिली। गौशाला में गायों के लिए 3 शेड में पंखे तक की व्यवस्था है। यहां गौ माता के लिए हरे चारे की भी व्यवस्था समाज सेवियों द्वारा की जा रही है। साथ ही कांग्रेस नेता एवं मल्हारगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी परशुराम सिसोदिया ने वित्त मंत्री पर आरोप लगाते हुए बताया, कमलनाथ सरकार के द्वारा गौशाला में प्रत्येक गाय के लिए 21.75 रुपए राशि दी जा रही थी, जो शिवराज सरकार द्वारा गौ माता को मिलने वाली अनुदान राशि में भारी कटौती कर मात्र प्रत्येक गाय के लिए 1.60 रुपए वर्तमान में दिए जा रहे हैं। ये गौ माता के साथ अन्याय है। मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से अनुरोध करता हूँ कि पूर्व कमलनाथ सरकार द्वारा गौ माता के नाम से दी जाने वाली राशि यथावत 21.75 रुपए प्रति गाय के मान से दी जाए। राजनीतिक हलचल न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री लगभग 15 माह तक वो मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश के, और उन्होंने जो सबसे बढ़िया काम किया है गांव-गांव में गौशाला खोलने का काम गौ माता का संरक्षण के लिए उन्होंने किया है। उसी कड़ी में मेरे गृह गांव झावल में गौशाला भी आप देख के आए हैं। लगभग मल्हारगढ़ विधानसभा उन्होंने पहले चरण में 13 गौशालाएँ खोलने का काम किया था, और उसमें जो अन्य गांव का जो जन सहयोग है वो भी हमको अच्छा मिला। और सरकार की तरफ जब कमलनाथ जी की कांग्रेस की सरकार थी तब पूरी तरह से उनका सहयोग शासन प्रशासन को हमको मिला। तो आपकी विधानसभा में 13 गौशालाएं बता रहे हैं, तो जैसे आपके घर गौशाला में सुविधा है, जैसे गौशाला में सुविधा है, मेरे विधानसभा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में पहले चरण में 1000 गौशालाएं माननीय कमलनाथ जी ने खोलने का काम किया है। वो 1000 गौशालाएं जैसे आप यहाँ देख के आए एसी की एसी संचालित हो रही है, और गौ माता को जो है बहुत अच्छा जो वहाँ पर खाना मिल रहा है, उनको चारा मिल रहा है रहने के लिए। आपने देखा होगा पूरे टीन शेड में फैन लगाए हुए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, हरे चारे की व्यवस्था की गई है। ये सब माननीय कमलनाथ जी की देन है। जो गौशाला पहले कमलनाथ जी द्वारा बनाई गई थी, आज वहाँ पर सरकार द्वारा क्या सुविधा मिल पा रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसे भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं ने छल कपट से हमारी कांग्रेस की सरकार को गिराया गया, और उसके बाद शिवराज जी मुख्यमंत्री बने और हमारे मल्हारगढ़ विधानसभा से निर्वाचित होकर यहाँ से विधायक बने माननीय जगदीश देवड़ा जी, वो मध्य प्रदेश सरकार में अभी वित्त मंत्री के पद पे है। और वो जब से वित्त मंत्री का पद उन्होंने संभाला है तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, जो माननीय कमलनाथ जी ने प्रति गांव के हिसाब से 21.75 रुपए प्रति गौ माता के उनके संरक्षण के लिए उनके भरण पोषण के लिए वहाँ से सेंक्शन किए थे। सबसे पहले जगदीश देवड़ा जी जब वित्त मंत्री बने उन्होंने 1.60 रुपए प्रति गौ माता का जो वहाँ से अनुदान मिलना चाहिए वो घटाकर 1.70 रुपए कर दिए गए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय जगदीश देवड़ा जी से माननीय शिवराज सिंह जी से ये निवेदन करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ कि आज आप सत्ता में हैं, आप वित्त मंत्री हैं, आप सबसे पहले चुनाव में तो आप गौ माता की बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, लेकिन जैसे ही आप सत्ता में आए गौ माता को भूल गए, और गौ माता के संरक्षण के लिए जो 21.75 रुपए कमलनाथ जी ने प्रति गौ माता के हिसाब से दिए थे वो पुनः बहाल किया जाए।